सुखी धरती करे पुकार संदीप कैमरामैन देख लेना है। आप एक वीडियो ले रहा? हाँ आप जाओ उनके साथ। गाड़ियाँ रोक लेना, गाड़ियाँ रोक लेना, गाड़ी मत निकल लेना, स्कूटी लेके का भी जाना है पढ़ने के लिए। हाँ मेरे राजा बेटा, तू ही तो पढ़ लिखकर खानदान का नाम रोशन करेगा। बिल्कुल माँ। माँ माँ मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना है। तू क्या करेगी? पढ़ के वैसे भी तो तेरी शादी हो जानी है, मेरी पढ़ाई का खर्चा तो मेरी शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर। राजा
उसके सर ज्यादा ज्यादा नहीं चाहिए ठीक उनको उनको उधर कुछ उधर उधर बेनर बेनर उधर कुछ दोनों कर हाँ तो इधर से इसे शुरुआत कर लो ना अच्छा लगेगा वो विनर इधर कर पाते हैं एक तो कर रहा हूँ इसको ही बोलना थोड़ा कैमरा लेके घूम जाओ जा पोज घूमना पड़ेगा सर वैसे ना काम है इनके माता जी का कुछ भी कहना नहीं है आइए पीड़ा से पूछ लो नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद नमस्कार इस विधानसभा क्षेत्र के मंत्री यहाँ पधार चुके हैं आइए इनसे पूछते हैं कि इनके विधानसभा क्षेत्र में ये घटना क्यों घटित हुई है भाई सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र की जनता को हमारा नमस्कार नमस्कार और ये जो घटना हुई है इसका हमें बहुत दुख है और इस घटना से परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और जहां तक बात है जिन जिन भी व्यक्तियों का इस घटना के पीछे हाथ है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का मैं वादा करता हूं उनको बिल्कुल किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी इसके लिए मैं एक जांच कमेटी बनाऊंगा और जहां तक है बात इस परिवार की तो मैं सहायता कोष में से 2,00,000 रुपये इस परिवार को देने का ऐलान करता हूं और फिलहाल जैसे मुझे पता चला कि परिवार के साथ ये दुर्घटना हुई है तो मैं आया देखा कि मुझे जाना चाहिए और मैं अभी तो जा रहा हूँ मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी मीटिंग है और बाकी जो मैंने कहा है उस पर अमल होगा नमस्कार नेताजी जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद तो आपने देखा यहाँ पे नेताजी यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र के नेताजी आए थे उन्होंने बोला कि जो भी इसके पीछे हाथ है जिसका भी उसको बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा और जिस पीड़ित का जो ये हुआ है घटना उसको 2,00,000 रुपये का मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा तुम्हें एक बात का पता है क्या अरे वो जो परिवार था ना जिसकी लड़की के साथ अभी कुछ महीनों पहले छेड़छाड़ की घटना हुई थी उसके परिवार वालों ने उसके साथ बहुत ही अन्याय किया है उसकी शादी 55 साल के बुड्ढे के साथ कर दी है अब देखते हैं कि उस 55 साल के बुड्ढे के साथ शादी होने के बाद उस स्वीटी के साथ उस परिवार में क्या हो रहा है अरे कलमुगा ठीक से काम कर तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं सोचा था बहू घर की लक्ष्मी होती है पर तेरी माँ ने तो फूटी कौड़ी ना दी और 2 जोड़ी कपड़ा के साथ भेज दिया और अपना बोझ हमारा सर मढ़ दिया पीले पीले ओ मोरे राजा पीले पीले ओ मोरे जानी तुम फिर से क्या हो हाँ मैं तो रोज पीता हूँ मेरे बाप के पैसे की पिए रुक बताता हूँ तुझे रोज रोज का नाटक हो गया तेरा बस बहुत हो गया अब नहीं सह सकती मैं इस रोज रोज की मार से अच्छा तो मैं मर जाऊं Do you think I can help you?
क्या कभी अंबर से सूर्य चढ़ता है, क्या कभी छोड़ गया जो तू दोनों का समान, बेटा बेटी एक समान, दोनों का।
धन्यवाद सभी को और आप सब लोग।